हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एवीआर स्टडी। आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान अपूर्ण काल। कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें कार्य जारी होता है परंतु ये मालूम नहीं होता है कार्य कब समाप्त होगा, अर्थात हमारी आंखों के सामने जो कार्य हमारी आंखों के सामने या बोलते समय हो रहा होता उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। देखते हैं इसमें वाक के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। वीडियो चलाने में अब जूम हो जा रहा है, अच्छा चल रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ बगल। रहा हूं इत्यादि शब्द लगे होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा इत्यादि शब्द लगे होते हैं। आइए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा? इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म में आइंज लगाना है। फर्स्ट फॉर्म में आइंज प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, अ सिंगल पर्सन। थर्ड पर्सन ही सी इट अ सिंगल पर्सन के साथ इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट वी, आई, दे, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ, सॉरी आई यहाँ नहीं रहेगा अलग से, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन ही सी इट या तो कोई अकेला व्यक्ति हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू या तो एंड से दो नाम जुड़े हों और सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हों तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब में आर का प्रयोग करते हैं आई के साथ एम। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, वह कक्षा में गीत गा रही है। वह कक्षा में गीत गा रही है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, सी प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग,
सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। आ शाम। एडवर्ब क्या है? इन द क्लास। इन द क्लास। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, वे नदी में कूद रहे हैं। वे नदी में कूद रहे हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। दे आर जंपिंग इनटू द रिवर। तो फ्रेंड्स ये तो रहा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग। आइए देखते हैं एम का प्रयोग। इज और आर का प्रयोग हो गया। आइए देखते हैं एम का प्रयोग। मैं उसे कुछ पुस्तकें पढ़ा रहा हूं। मैं उसे कुछ पुस्तकें पढ़ा रहा हूं। आई आई के साथ एम बताया गया हेल्पिंग वर्ब में। आई एम टीचिंग टीचिंग। यहां पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं। उसे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। और कुछ पुस्तकें सॉरी उसे क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ पुस्तकें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। हिम सम बुक्स। ओके ये तो रहा हिंदी वाक। हिंदी वाक आप अभी आप तीन एग्जांपल देखे। हिंदी वाक कैसे पहचाना किया जाता है कि यह वाक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो कैसे पहचान करेंगे यह वाक आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लुक दैट मैन। लुक दैट मैन। ही टू ओपन द डोर ऑफ ऑफ हिज रूम। सेकेंड ऑप्शन है इज ट्राइंग। थर्ड ऑप्शन ट्राइड। चौथा और लास्ट ऑप्शन है ट्राइंग। देखिए कह रहा है लुक दैट मैन ही डैश टू ओपन द डोर ऑफ हिज रूम। तो आपको बताया गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस व्हाट टेंस होता है? जिसमें कार्य हमारी आंखों के सामने या बोलते समय हो रहा होता है। तो क्या कह रहा है? लुक दैट मैन उस आदमी को देखो। उस आदमी को देखो वह अपने कमरे का दरवाजा क्या कर रहा है? खोलने का प्रयास कर रहा है। तो क्या है? हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? इज ट्राइंग। तो हमारा वाक्य क्या कह रहा है? ही इज ट्राइंग। वह प्रयास कर रहा है टू ओपन द डोर ऑफ हिज रूम। है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लुक दिस रिवर It is flowing. It flow very
ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट टुडे वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल कह रहा है लुक दिस रिवर इस नदी को देखो इट फ्लोज वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल तो हमारी आंखों के सामने ये नदी बह रही है तो किस टेंस का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और यहाँ पे कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है फ्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो किस भाग में गलती है बी भाग में गलती है अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा is flowing okay friends तो यहां तक आप लोग समझ में आया अब आइए देखते हैं keywords नोट कर लीजिए कीवर्ड्स क्या है कुछ शब्द जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगे होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कर लेते हैं जैसे नाउ स्टिल प्रेजेंटली एट प्रेजेंट At the moment, this year, this month, Now, still, presently, at present, at the moment, this year, this month, it is. Example देखते हैं. Still, the bulk. Still, the bulk of Indian women lives below poverty line कह रहा है still the bulk of Indian women lives below poverty लाइन स्टिल शब्द लगा होने पर क्या किस टेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और यहां पर किस टेंस का प्रयोग हुआ है देख रहे हैं लाइव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो कहां पे रहा है यहां पे हो जाएगा इज लिविंग द बुल्क ऑफ इंडियन वुमेन हमारा सब्जेक्ट यहां पे क्या है द बुल्क बुल्क हमारा क्या है समूह कलेक्टिव नाउन है यहां पे हो जाएगा इज लिविंग भारतीय महिलाओं का समूह अभी भी या आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन कर रहा है सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं Don't disturb him. Don't disturb him. He is reading.
हिज बुक एट द मोमेंट। हमारा वाक्य क्या कह रहा है? डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज रीडिंग हिज बुक एट द मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, एट द मोमेंट वर्तमान में। उसे बाधित मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो, वह वर्तमान में अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात यह वाक्य क्या है? राइट है, सही है बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग, जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कौन कौन सी वर्ब है देखते हैं। फील, सी, हियर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, अफेक्ट, बिलीव, एश्योर, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, बिलोंग, फील, सी, हियर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, अफेक्ट, बिलीव, एश्योर, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, बिलोंग। तो इतनी वर्ब्स हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं तो इनका प्रयोग हम एक टेंस पूर्व अर्थात प्रीवियस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जांपल देखते हैं। एवरी लिविंग बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग, बी आ एनिमल, आर आ मैन, इज फीलिंग कोल्ड इन विंटर। कह रहा है प्रत्येक सजीव, चाहे वह जंतु हो चाहे वह मनुष्य हो, इज फीलिंग कोल्ड इन विंटर, ठंडी के मौसम में उसे ठंडी महसूस होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज फीलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको प्रीवियस टेंस में डालेंगे तो कौन सा टेंस यूज होगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात फील हो जाएगा, फील्स, क्योंकि यहाँ पे एवरी शब्द लगा हुआ है अर्थात एवरी शब्द के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बिलीव मी I am, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। I were, sorry, I was हो जाएगा, I के साथ was का प्रयोग करते हैं। I was believing, B E L I E V, in,
believing what you are. What you are. You said. Said. कह रहा है believe me. मेरा विश्वास करो. I was believing. मैं विश्वास कर रहा था what you are. जो भी. You said. तुमने कहा. तो कह रहा है I was believing. Past continuous tense. Past continuous tense. तो इसमें हम किस में रखेंगे? Previous tense. अर्थात past indefinite tense में. I was believing. तो क्या हो जाएगा? Believed. Believed. मैं विश्वास किया जो तुमने कहा. Last example. He is knowing about us. कह रहा है he is knowing about us. वह हमारे बारे में जान रहा है. Present continuous tense. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Present indefinite. No. S लगा देंगे. Singular subject है. He knows about us. Okay friends. इतना समझ में आ गया होगा. आगे देखते हैं. Negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस. नकारात्मक वाक्य. इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देखते हैं. तुम उसे कुछ पुस्तकें नहीं दे रहे हो. नहीं दे रहे हो. तुम उसे कुछ पुस्तकें नहीं दे रहे हो. यू आर प्लूरल सब्जेक्ट है. यू तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. यू आर गिविंग. गिविंग हिम सम बुक्स. सम बुक्स. एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं. पढ़ रहा हूं. आई एम नॉट. मेन वर्ब क्या है? रीडिंग. एडजेक्टिव क्या है? माई बुक. ऑब्जेक्ट है माई बुक. आई एम नॉट रीडिंग माई बुक. ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है.